ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਸਕਰੀਨ ਵਿਦ ਯੂ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟਾ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਨੋ ਸਰ ਪੇਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨੋ ਸਰ ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕਲਾਸ 8 ਬੇਟਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਓਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ 8 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ हाँ जी बोलो राजी हाँ दीपक चलिए देर आर 30 क्वेश्चंस इन दिस पेपर बेटा सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन फर्स्ट क्वेश्चन देखो सारे आइडेंटिफाई द लाइन विच इज शोन इन द वर्ल्ड मैप ये संसार का नक्शा दिता हुआ है और उदे विच जो लाइन है अपने उदे आपां दसना है देर आर फोर ऑप्शन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन इक्वेटर नन ऑफ द अबव जे आपां पंजाबी च गल करिए तां बेटा कर्क रेखा है मकर रेखा भूमध रेखा कोई नहीं तां देखो ये अपना इंडिया है आपां सारे जानते हैं कि भारत दे विचों कर्क रेखा गुजरती है So that's why first option is correct, the Tropic of Cancer. Second, identify the shaded state shown in the map of India. So this is the map, shaded in map of India. And we know this is the largest state according to population. ये सब तो वक्त जो जनसंख्या है भारत दे विच ऐसे राज्य विच है और एस अपने जो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश थर्ड वन एन इंपोर्टेंट सिटी इज शोन इन द मैप ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट सिटी इज आगरा ओके और विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेस इन द सिचुएटेड हियर वी आर टू जस्ट टेल विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड हियर सो ताजमहल रेड फोर्ट गेटवे ऑफ इंडिया एंड हवा महल सो वी ऑल नो दैट इन आगरा देयर इज ताजमहल आप सारे बेटा किया ने देखे भी होगा कि जो ताजमहल है वो आगरा दे विच है चलिए नेक्स्ट ऑप्शन एग्जामिन द पिक्चर केयरफुली एंड टेल व्हाट विल यू डू टू सर्वाइव फ्रॉम दिस डिजास्टर कि अगर कोई कुदरती आफत साढ़े को आती है जिवें दिखाया गया देखो किस तरह सारे बेटा कारोबार तबाह हो गए ने चाहे भूचाल करके है या कोई सुनामी करके है सो व्हाट वी विल डू विल नॉट स्टॉप मूविंग व्हीकल्स के जिन्ना भी असी व्हीकलों ते बेटा जा रहे हैं वो असी रोकांगे नहीं विल कीप द माइंड काम एंड विल नॉट क्रिएट फियर असी जो है दहशत का जो माहौल है वो पैदा नहीं करांगे और अपने दिमाग में शांत रखांगे will ignore the given information aur assi jehdi eh suchna hai assi nu behtiyan na karange none of the above ena jo koi nahi so second option is correct te agar koi sanu musibat da samna karna penda hai ta assi dehshat da mahol paida nahi karange sago shanti naal jo hai sochde hoye dimag to kam lavange
देन विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ 2900 किलोमीटर, धरती की किस परत की जी एवरेज तो थिकनेस है बेटा वो 2900 किलोमीटर के लगभग है, दैट इज मेंटल। ओके जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन बाय परमानेंटली स्टेइंग एट ए प्लेस, ये अपना कीवर्ड है कि एक जगह पे टिक के जी खेती की जाती है और उदे विच जो है प्रोडक्शन नु बढ़ाने वास्ते फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। सो एक्सटेंसिव फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, परमानेंट फार्मिंग। सो वेरी क्लियर बेटा, परमानेंट फार्मिंग जो स्थाई खेती है वो अपना एदा जो करेक्ट आंसर है। अगे बेटा वर्ल्ड का मैप दिता हुआ है, एंड लुक एट द वर्ल्ड मैप केयरफुली एंड टेल विच मिनरल इज फाउंड द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड। सो तुसी देख रहे हो जो अरेबियन कंट्रीज ने बेटा इतने है मेन, और तुसी सारे बच्चे जानते हो कि जो अपने अरेबियन कंट्रीज ने उन्होंने मेन जो है साढ़े को मिनरल ऑयल्स निकलता है बेटा, रशिया हो गया, चाइना एंड मैक्सिको। सो खनिज तेल, हाँ जी, नेक्स्ट वन, सोइल इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, जी मिट्टी है देखो साढ़े सारे वास्ते बड़ी महत्वपूर्ण साधन है। एंड व्हाट विल यू डू फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड प्रॉपर यूज, ये जो साड़ी मिट्टी खराब ना होवे और असी इनू किवें संभाल के रखिए तो उहदे वास्ते की करिए, यूज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मेक द सोइल फर्टाइल, ये वो तो वो जो असी रसायनिक खादों की वरतों करांगे, यूज पेस्टिसाइड्स, प्लांट्स एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल फॉर सोइल प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा तुसी सारे जानते हो कि जो कैमिकल फर्टिलाइजर्स ने पेस्टिसाइड्स ने तो इन्हों की जी ज़्यादा वरतों हानिकारक होंगी है। सो प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल फॉर सोइल प्रोटेक्शन, हाँ जी। नेक्स्ट, इन टूडेज वर्ल्ड द क्रॉप्स दैट गिवन ए सूटेबल ड्रिंक अदर देन वाटर आर वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, ड्रिंक की बेटा गल कर रहा है कि पानी तो इलावा जिहड़ियां होर पीन वालियां जो फसलां ने असी उन्हां नूं किस नाम दे नाल जानदे आ। सो बेवरेज क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, सेरल क्रॉप्स, ऑल ऑफ द अबव। सो जिहड़ियां पीन वालियां फसलां जिस तरह बेटा टी है, कॉफी है, ओके, असी उन्हां नूं कहिंदे आ फर्स्ट वन बेवरेज क्रॉप्स, पे फसलां बेटा पीन वालियां। Then, on the basis of given bar graph, find out how much has the population increased from 71 to 91. It's very easy. 71, 55 lakhs population was there, and 91, 110. तापा ये देखना कि कितनी population जो है, ओ इंक्रीज हुई है बेटा। सो व्हाट विल वी डू, 110 माइनस 55, ओके, एंड द आंसर विल बी 55। सो 55 लैक्स आंसर इज करेक्ट। देन देयर इज पाई चार्ट एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पीपल on the basis of pie chart, illiterate people means both male and females. So again very easy, illiterate females are 8% and males are 24%. So both are illiterate, male plus 24 plus 8, 32% beta. Okay. And this is the state with the highest population density. And name of the state is
बिहार बेटा। देन नेम द सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम विच वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लिटरेचर आर्ट एंड म्यूजिक ऑफ मिडिवियल एंड एशियंट पीरियड। के जो साडे आधुनिक जो भारतीय इतिहास के स्रोत ने कि जिस तो सानू मध्यकाल और प्राथम काल के लिटरेचर आर्ट और म्यूजिक के बारे पता चल सकता है तो इन्हों में कौन ने बुक्स पिलर्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर बिल्डिंग्स। सो करेक्ट आंसर इज बुक्स बेटा। बुक्स तो सानू पता लगता है कि जो सा मिडिवल पीरियड से या एशियंट पीरियड से उहदे विच किस तरह का जो संगीत सी लिटरेचर साहित्य विच किन्नियां सी जो मल्लां मारियां ने। सो बुक्स तो सानू बेटा पता लगता है। दैन मैगनीस न्यूज़पेपर्स एंड पैम्फलेट्स पब्लिश इन इंडिया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर सो ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। Okay, some newspaper were published before independence and are still in publication. कुछ जिहड़े साडे बेटा न्यूज़पेपर जो अखबार सन जिहड़े के आजादी तो पहला दे छप रहे सन और अज भी छप रहे ने अखबार, एहो जे अखबार किहड़े ने बेटा? सो ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया ये दो अखबार ने जो साडे पहला दे छप रहे ने। सो इस करके फोर्थ ऑप्शन इज करैक्ट, 2 and 3 दो बोथ। देन द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द सोल्जर्स बिकस, क्यों विद्रोह शुरू होया अपने भारतीय सिपाहियों द्वारा? आप सारे जानते हैं दे वर गिवन न्यू टाइप्स ऑफ पोट्रीज विद काउ एंड पिग फैट ऑन देम, कि जेडे चर्बी वाले कारतूस सन उन्होंने उपर गां ते सूर की चर्बी लगी हुई सी। सो शुरुआत का जो कारण सी वो ये सन जो जिन्हों आप कहने तत्कालिक कारण। ये जो विद्रोह है इथों सानू की किस गल का ज्ञान होंगे? इनजस्टिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड, वन शुड ट्राई टू ब्रेक द चेन्स ऑफ स्लेवरी, पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये अपने सारे ही ठीक ने, क्योंकि सानू जरा इनजस्टिस है जो अन्याय है बिल्कुल नहीं सहना चाहिए और गुलामी दिया जो जंजीर तोड़न का यत्न करना चाहिए और सानू जो अपने राइट्स वास्ते भी लड़ना चाहिए। 17 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 19th सेंचुरी। जो दस्तकारी उद्योग है बेटा अपना हाथ ना जो काम चलता सी क्यों खत्म हो गया था, पतन क्यों होया? क्योंकि ये चीज़ें महंगिया होंदिया सी बेटा और जिहड़ियां मशीनी चीज़ा सी उन्हां दी कीमत घट होंदी सी और वो उन्हां दी सफाई भी होंदी सी। ऑल ऑफ द अबव ये सारे ही होंगे। हाँ जी, देन है टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग इन द ब्रिटिश रूल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर दीज मिल्स एस्टैब्लिश्ड। हाँ बेटा, तुम सारे जानते हो कि सब तो पहला मुंबई के कारखाना लगाया गया सी, उस बाद जो है नागपुर और अहमदाबाद के काफ़ी सारे कारखाने लगाए गए। सो दिस ऑप्शन इज करैक्ट। हाँ जी, सती प्रैक्टिस जो सती प्रथा है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग सदका खत्म हुई एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो बेसिक जो बॉडी है बेटा ग्राम पंचायत ये बेटा रूरल डिपार्टमेंट की है और जो बेसिक यस नगर पंचायत बेटा। ओके, नगर पंचायत फिर म्यूनिसिपल काउंसिल एंड फिर म्यूनिसिपल कारपोरेशन। हाँ जी, इफ ए 6 to 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज फोर्स्ड टू वर्क इन ए फैक्ट्री, फोर्स्ड जबरदस्ती करवाई जाए, देन विच ऑफ हिज राइट विल बी वायलेटेड?
राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, क्योंकि असी किसी को जबरदस्ती जो है काम नहीं ले सकते। विच राइट गिव्स द नॉलेज ऑफ द सिटीजन अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर अदर राइट्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਰਾਈਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ, ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਦੈਨ RTI ਐਕਟ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, can demand government documents, all of above. ये सारे ही अपन बेटा under RTI Act ले सकते हैं। Then RTE, right to education, शिक्षा का अधिकार, ये अपना जो है सारे बच्चे जानते हो, 21A, 20, 19A, 18A, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत अपना जो RTE है इसनु एनशाइन किया गया है। इन विच आर्टिकल, ये अपना जरा बेटा आएगा 21A इज द करेक्ट आंसर। देन पब्लिक फैसिलिटीज आर बेसिक नीड्स, असि सारे जानते हैं कि जो साड़िया जनतक सहूलत ने, साड़िया बेसिक जरूरत ने बेटा, पींदा पानी, सेहत, एजुकेशन, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਦਾ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਿਟੀਜਨ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਟੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਕੁਅਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨ ਅ ਹਰੀ, ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲਡ ਦਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ। Yes, by whom are the election symbols allotted during Vidhan Sabha elections process? Elections jo symbol hai beta, election karwane, ye jara sara kaam hunda hai election commission da, chon ayog da beta. Okay, then second last question hai, traders who purchase and retain large quantities of goods directly from farmers or intermediaries, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਸ, ਹੋਲਸੇਲਰਸ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨੋਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਸੋ ਹੋਲਸੇਲਰਸ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਸੇਲਰਸ ਹੂ ਗੋ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਟੂ ਸੈਲ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ, ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੈਂਡਰ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੇਲਰਸ, wholesalers, none of the above. So unstable sellers, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸ 8 ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।